Hello, friends. How are you? Hope you all are well. Let's start the subject, Maths of Standard Fifth, in that page number 36. How big is my hand? Uh, this one we see in the last session. Okay, now we discussed. अबाउट दीज वन पेज नंबर थर्टी सेवन माई फुट प्रिंट इज लॉन्गर ओके यहां पर यह कहता है कि मेरी फुट प्रिंट है यानी पैर का जो स्पेस है वो ज्यादा है बट माई फुट प्रिंट इज वाइड यह कहती है कि मेरी फुट प्रिंट है वो वाइड है यानी उसकी चौड़ाई ज्यादा है वाइड यानी सो हु फूट इज बिगर तो किसके फूट ज्यादा बिगर होंगे ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन uh, होता है ओके okay? इसकी लेंथ ज्यादा है इसकी वाइडनेस ज्यादा है हुज फुट प्रिंट इज लार्जर योर और योर और योर फ्रेंड्स ओके आपकी या आपके फ्रेंड की How will you decide discuss is the area of both your both your footprint the same क्या दोनों की footprint same होगी तो dear students यहाँ पे जैसे मैंने बताया okay हम ये chart का use करके ये sheet का use करके हम find कर सकते हैं कि किसका area ज़्यादा है या कम है तो जिस तरह से मैंने बताया था आपको ओके okay, यहाँ पे जो भी सेप आता है ओके okay, उसमें आपको किसको कंसीडर करना है जो पूरा आ जाता है वो देन आफ्टर जो हाफ से ज्यादा है वो एंड थर्ड वन हाफ इन तीनों नंबर को आपको कंसीडर करना है मैंने यहां आपको ये एग्जांपल भी दिया था फॉर एग्जांपल इतना कंसीडर है ये ओके तो ये मोर देन हाफ है इतना ही बाकी रह जा रहा है बाकी तो इतना कवर है तो इसको आपको पूरा कंप्लीटली वन कंसीडर कर देना है ओके okay? अगर कोई हाफ है फॉर एग्जाम्पल चलो दीज वन समझ लो ये हाफ पार्ट है तो आपको इसको हाफ ही कंसिडर करना है लेकिन कोई पार्ट सिर्फ इतना ही कवर हो रहा है फॉर आपके में इतना ही ये बार की तरह रह जा रहा है यानी ये हाफ से कम है तो इसको कंसिडर नहीं करना है ओके okay? तो इस तरह से हम आ, किसी के भी फुटप्रिंट ओके okay, फिंगरप्रिंट उसका हैंड का मेजरमेंट है माय स्किन हैज मैनी फोल्ड्स। ओके यहाँ पे ये बेबी राइनो कहता है कि मेरी स्किन है वो बहुत सारे उसमें फोल्ड्स है सो आई हैव एरिया उसकी वजह से मेरा ज्यादा एरिया है दिस वे ऑल ओवर मी कीप मी ओके इसकी वजह से आसपास की जो भी एयर वो मुझे कूल cool रखती है वट इज द एरिया ऑफ माई फुट प्रिंट एलिफेंट कहता है कि मेरे फुट प्रिंट का एरिया कितना होगा और यहाँ पे आंत ओके okay, छोटी सी चिट्टी वो भी कहती है कि वट इज द एरिया ऑफ माई फुट प्रिंट ओके वो भी कहती है कि मेरी फुट प्रिंट का एरिया कितना होगा गेस विच एनिमल्स फूट प्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर डिस्कस डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना है ओके okay? कि किसके फूट प्रिंट है कौन से एनिमल के फूट प्रिंट आपके फ्रूट फूट प्रिंट के जितना ही एरिया होगा एप्रोक्स ओके okay? तो ये चीज अभी आपको सोचनी है यू कैन ऑल्सो डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स ओके चलो मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ uh, हमारी फुटप्रिंट प्रिंट ओके ऑन एन एवरेज जो काउ है बफेलो है उसके फुटप्रिंट प्रिंट के आसपास होंगे ओके okay? तो ऐसे अगर दूसरे एनिमल है तो उसके बारे में आपको सोचना है एंड आपके फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस करना है हियर आर सम फुट प्रिंट्स ऑफ एनिमल यहाँ पे हमें थोड़े एनिमल्स के फुट प्रिंट दिए हुए हैं। इन एक्चुअल साइज एक्चुअल साइज में गेस द एरिया ऑफ देयर फुट प्रिंट यहाँ पे हमें उसके फुट प्रिंट का एरिया फाइंड करना है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये पूरा वो शीट है उस पर इसका जो ये हैं उसका फुटप्रिंट दिया है तो अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है ये तो ये पूरे बॉक्स में कितना है? इसका भाग कंसीडर है बहुत ही थोड़ा है हाफ से भी कम है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे अब इसको देखो ये वाला पार्ट ये जो पूरा बॉक्स है उसमें ये लाइन हमें सिर्फ इतना ही फाइन करना है जो इसका फुटप्रिंट है उसमें ये इसका फुटप्रिंट का पार्ट कितना है हाफ से भी कम है तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे ये वाला थिंग्स ये थोड़ा ओके okay, हाफ हो जा रहा है हाफ से ज्यादा है थोड़ा तो इसको हम कंसीडर करेंगे कितना पूरा ये वाला पार्ट ये हाफ से कम हो रहा है इसको नहीं करेंगे ये वाला पार्ट ये भी हाफ से ज्यादा है तो इसको कंसीडर करेंगे ये पार्ट हाफ से कम है इसको कंसीडर नहीं करेंगे अगेन रिवाइज कर लेते हैं। हम किसको कंसीडर करेंगे जो पूरा है उसको जो हाफ से ज्यादा है उसको वन में ही कंसिडर करेंगे एंड जो कोई हाफ है तो उसको हाफ में ही कंसिडर करेंगे यानी अगर दो हाफ हो जा रहे तो वो पूरा वन हो जाएगा अदरवाइज हाफ ही रहेगा ये पोर्सन ये भी बहुत ही कम है हाफ से भी कम है बहुत तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे ये पोर्सन ये बहुत ही ज्यादा है तो इसको हम कंसिडर करेंगे ये पोर्सन हाफ से भी कम है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे यानी यहाँ पे हम ये वन टू एंड थ्री ये तीन बॉक्स को ही काउंट करेंगे क्योंकि ये हाफ से ज्यादा है बाकी सब हाफ़ से कम है तो उसको हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे अगर हाफ होते तो हम हाफ को भी कंसिडर करते तो अप्रोक्स इसका एरिया कितना हुआ थ्री सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया है तो हमें स्क्वेयर लगाना है यहाँ पे सेंटीमीटर में थिंग्स से है तो सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर स्क्वेयर ओके नाउ यहां पे हमें डॉग का फुटप्रिंट दिया है ओके okay? चलो इसको कंसीडर करते हैं हम यहां से स्टार्ट करते हैं ओके okay? ये पूरा पार्ट है ये वाला बॉक्स बहुत ही मोर देन हाफ कंसीडर हो रहा तो इसको हम पूरे में काउंट करेंगे ये वाला पार्ट हाफ से कम है तो इसको हम नहीं करेंगे ये वाला ये तो अंदर का तो पूरा आ जाता है ये भी हाफ से कम है ये वाला पार्ट ओके okay? ये हाफ से ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम पूरे में कंसीडर करेंगे इसको ये भी हाफ़ से ज़्यादा है तो पूरे में कंसीडर। ये भी हाफ़ से ज़्यादा है तो पूरे में कंसीडर। ये भी पूरा ऊपर का नहीं होगा क्योंकि ये ये पार्ट है जो ये हाफ़ से कम है तो बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे ये ये पार्ट ये भी हाफ़ से कम है बहुत ही थोड़ा है तो इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे ये बॉक्स को इसको भी नहीं करेंगे ये वाला पोर्शन ये भी हाफ से कम है नहीं करेंगे ये हाफ जितना हो रहा है तो ये हाफ कर लेते हैं ये दोनों ओके okay? तो हम इस तरह टोटल करेंगे वन टू थ्री फोर ओके फाइव सिक्स सेवन एट ये वाला नाइन एंड दो हाफ तो अप्रोक्स ये डॉग का फुटप्रिंट होगा टेन सेंटीमीटर स्क्वेयर ओके तो डियर स्टूडेंट इस तरह आप आपकी फिंगरप्रिंट है आपका हैंड का साइज है आपके फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स ओके उसकी आ, जो आपका हैंड की साइज है अदरवाइज फिंगर प्रिंट है ओके okay? जितना फिंगर का साइज हो रहा है तो इस तरह से उसका आपको एरिया निकालना है इस तरह की सीट पे, तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाओगे और आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा थैंक यू